हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पंडित नेहरू के पैतृक निवास आनंद भवन को मिला नोटिस। नगर निगम ने हाउस टैक्स बकाए के लिए दिया नोटिस। निवास से जुड़ी बिल्डिंगों पर बकाया है 4.44 करोड़ का हाउस टैक्स। बिल्डिंग के कमर्शियल इस्तेमाल की वजह से बड़ा हाउस टैक्स। प्रयागराज से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। दिल्ली में हेराल्ड बिल्डिंग पर उठे विवाद के बाद प्रयागराज स्थित प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पैतृक निवास आनंद भवन को प्रयागराज नगर निगम ने नोटिस भेजा है। नगर निगम के भेजे गए नोटिस का संबंध हाउस टैक्स से है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयागराज स्थित निवास आनंद भवन पर नगर निगम का करोड़ों का हाउस टैक्स बकाया है और इसकी अदायगी के लिए आनंद भवन को नोटिस भेजा गया है। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के जरिए आनंद भवन का संचालन किया जाता है। प्रयागराज नगर निगम ने आनंद भवन जवाहर प्लेनेटोरियम पर 4.44 करोड़ रुपए के बकाया हाउस टैक्स के लिए नोटिस भेजा है। प्रयागराज नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि आनंद भवन उसके साथ जुड़ी बिल्डिंगों के कमर्शियल इस्तेमाल किए जाने की वजह से हाउस टैक्स बढ़ा है और इसका नोटिस भेजा गया है। खबरों के मुताबिक प्रयागराज नगर निगम के चीफ टैक्स ऑफिसर पी के मिश्रा ने बताया कि 2 हफ्ते पहले निगम ने आनंद भवन, स्वराज भवन और जवाहर प्लेनेटोरियम को हाउस टैक्स का नोटिस भेजा था। ये भी बताया गया कि इस नोटिस के जवाब में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड की तरफ से एक पत्र भेजा गया है और पत्र में कुल बकाया और डिटेल सर्वे रिपोर्ट मुहैया कराने के बारे में बात लिखी गई है। इस मामले में प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने भी इस संबंध में समीक्षा की बात कही है। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स के बकाये को लेकर फाइनल और सभी दस्तावेजों की समीक्षा करके आगे की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का पैतृक आवास है। इस स्थान का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी अहम रोल रहा है। इसे आजादी की रणनीति बनाने के गढ़ के रूप में भी जाना जाता था। इस वजह से इसकी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका रही, जिसकी वजह से इसे बड़ी संख्या में लोग देखने भी आते थे, लेकिन अब जनता की इसमें रुचि पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। इसे देखने अब उतनी संख्या में लोग नहीं आते हैं जितना आजादी के काफी वर्षों बाद तक आते थे। इस निवास की अहमियत नेहरू गांधी परिवार से काफी गहराई से जुड़ी हुई है। राजीव गांधी का बचपन यहीं पर बीता जो देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं उनकी पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रही और उनके नेतृत्व में पार्टी ने केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल सरकार चलाई। उसके बाद उनके पुत्र राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अब उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में उतर आई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।